नमस्कार जी, कैसे हैं आप? फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। सीता जी बिलाप कर रही थी, हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी? हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से बिलाप कर रही हैं, हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे? यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी बिलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि यह रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेश के पाले पड़ गई हो। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। या कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर ऐसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर ब्रज छूटता हो। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता? निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना? उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा, या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, या तो बूढ़ा जटायु है या मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो ये बहुत बुझाओ वाले ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे बड़ी घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम ना था। सीता जी आकाश में बिलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याधे के वश में पड़ी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। पर्वत पर बैठे हुए पंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यतन करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। मास परायण नवा परायण पांचवा विश्राम। जिस प्रकार कपट वृक्ष के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम रटती रहती हैं। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए।
राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील, व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मक्छली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, अरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित है मानो राज पा गए हो, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें ना देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में भूल रहे हैं। तुमसे यह अनक स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीर घी प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गद्यपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था जिनमें ध्वजा, कुलश आदि के रेखाएं चिन्ह है। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी से कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी, कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। दस सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण
धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। आप अपरमित बल वाले, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और प्रतिभू के आधार है तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले, उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों दुष्ट पर्वतियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित नमस्कार करता हूँ। जिनको श्रुतियां निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती है, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से काम देवों की छवि शोभा पा रही है, जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अखंड भक्ति का वर मांग कर गिद्धराज चटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दहा कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग अपने हाथों से की। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति थी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। शिवजी जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अब आगे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले, वे वन की सघनता देखते जाते हैं। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कवंद राक्षस को मार डाला, उसने अपने शाप की सारी बात कही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्म शिव आदि सब देवता उसके वश हो जाते हैं। शाप देता हुआ मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने अपना धर्म भाव धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। शबरी पर कृपा नवदा भक्ति उपदेश और पंपासर की ओर प्रस्थान। उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा,
तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय में बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवरे और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। वे प्रेम में मगन हो गए, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी मैं भी हे पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भावनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे, मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास या पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से बैराग और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझमें ओत प्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और सपने में भी पराय दोषों को ना देखना। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन विषाद का ना होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भावनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतः जो गति योगिनियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भाविनी अब यदि तू गज कामनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव हे रघुवीर वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गए जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत यह सब शोक प्रद है, हे मनुष्य इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो।
जो नीच जाति की और पापों की जन्म भूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुबुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान है। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन शुद्ध नहीं होता होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनिया उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरन खोजने आए हैं। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए, और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों ना रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया, परंतु जब उसका दूत या देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोक कर डेरा डाल दिया है। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण के वे कोयले गूंज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपिये भाट हैं और जो गढ़सुमे वृद्धावली को वर्णन करते हैं। भौरों की गुंजार भेरी और शहनाई हैं। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगणी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। हे लक्ष्मण, कामदेव की सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं के वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में शुद्ध कर देते हैं। लोभ और को इच्छा और दम का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है, और क्रोध को कठोर वचनों का बाल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। शिव जी जी कहते हैं, पार्वती श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता
बेबसी दिख लाई और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग को दृढ़ किया है। क्रोध काम लोभ मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नट नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है वही मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है। ये सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर चार घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। भौरों की गुंजार भेरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगड़ी सेना साथ लिए कान देव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। घनी पुरहिनों कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। चक्रवाग बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा मौलसीरी कदम तमाल पाटल कटहल ढाक और आम आदि कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर झुक जाते हैं। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए, स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। नारद राम संवाद। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं फिर ऐसा अवसर ना बन आवेगा। या विचार कर नारद जी हाथ में बीड़ा लिए वे वहाँ गए जहाँ प्रभु सुख पूर्वक बैठे हुए थे। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित्र का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए, बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी
कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले, हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय राम, जय जय राम। नमस्कार जी, कैसे